क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसा कैसे कमाता है, ये पैसा आता कहाँ से है और कहाँ कहाँ से कमाता है, PSL से कितना पैसा कमाया जाता है और PSL का बिजनेस मॉडल क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इनकम की तीन अहम जराए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदनी का जरिया ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जो गेट रिसिप्ट्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप डील्स के जरिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है, क्योंकि ICC इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स यानी क्रिकेट वर्ल्ड कप का इनेकाद करवाता है। ICC की 2015 से 2023 तक $3 बिलियन की कमाई होगी, जिसे बाद में मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तकसीम किया जाता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े टेलीविजन के ऑडियंस लाने वाले क्रिकेट बोर्ड्स को इस रेवेन्यू में ज्यादा हिस्सा मिलता है। इस वक्त ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स को सालाना $16.5 मिलियन देता है, जो 2023 तक दिया जाएगा। इसके बाद इस रेवेन्यू में इजाफा भी हो सकता है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान के लिए पैसा कमाने का दूसरा जरिया अपनी सीरीज को होस्ट करना है, जो गैर मुल्की क्रिकेट टीम्स के साथ मिलकर अपने मुल्क में सीरीज की मेजबानी करता है और ब्रॉडकास्टिंग से पैसा कमाया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में PTV के साथ $200 मिलियन का मुआहदा किया, जो 2020 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस की ब्रॉडकास्टिंग करेगा। इसके साथ साथ PCB ने जुनूबी अफ्रीकी ब्रॉडकास्टर सुपर स्पोर्ट्स के साथ भी एक मुआहदा किया है, जिसने पाकिस्तान के मैचेस को दिखाने पर रजामंदी जाहिर की है, और इस तरह बाकी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर के साथ भी मुआहदों पर काम जारी है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को काफी रेवेन्यू देती है। इन ब्रॉडकास्टर्स में इंग्लैंड के स्काई स्पोर्ट्स के साथ साथ फॉक्स स्पोर्ट्स भी शामिल है, जिसके साथ PCB मुआहदा कर चुके हैं। क्रिकेट हो या बाकी स्पोर्ट्स, उनका सारा रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप से ही आता है। हाल ही में खत्म होने वाले ऑस्ट्रेलिया का दौरे पाकिस्तान से ₹2 अरब का मुनाफा हासिल हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिसका दावा खुद PCB के चेयरमैन रमीज राजा ने ही किया था। रमीज राजा का कहना था कि T20 वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त देना ही हमारे लिए एक अहम मोड़ था, तो उसने हमारे क्रिकेट को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमाई का अगला जरिया पाकिस्तान सुपर लीग है, जो PCB के लिए नहायत अहमियत का हामिल है, जो बहुत थोड़े अरसे में ही बुलंदियों को छू चुका है। PSL का पहला सोर्स ऑफ इनकम वो है टिकट्स। जब तमाशाई टिकट्स लेते हैं तो वो रेवेन्यू उनके पास जाता है। 2020 में टिकट्स का रेवेन्यू जो PCB ने जनरेट किया था वो था ₹36 करोड़। अब जो 2022 की PSL खेली गई तो उसमें फुल हाउस मैचेस हुई थी, इसलिए PCB ने दुगनी रेवेन्यू जनरेट किया होगा। इसके बाद PSL का अगला सोर्स ऑफ इनकम टाइटल स्पॉन्सरशिप है। जनाब, आप लोगों ने PSL में PSL लोगो के साथ HBL लिखा हुआ तो देखा होगा, ये कोई मुफ्त में नहीं लिखा होता है। HBL इसकी बहुत बड़ी रकम अदा करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। HBL ने 2025 तक PCB को PSL के टाइटल स्पॉन्सरशिप बनने के लिए ₹400 करोड़ अदा की है, जो 2025 तक PSL के साथ साथ आपको HBL लिखा हुआ नजर आएगा। इसके बाद PSL का अगला सोर्स ऑफ इनकम स्पॉन्सरशिप्स होते हैं। आपने तो PSL मैच के दौरान देखा होगा कि TikTok फोर ऑफ द मैच, तो इसके लिए TikTok ने पैसे दी होते हैं, इसको स्पॉन्सरशिप्स कहा जाता है। इसके साथ साथ बाउंड्रीज या डिजिटल बाउंड्रीज जो स्टेडियम के अंदर मौजूद होते हैं, वहाँ पे ब्राइटो, TikTok, J-Dot, Osaka बैटरीज वगैरह के एड्स दिखाई जाते हैं, तो उसके लिए ये कंपनियां PCB को बहुत बड़ी रकम अदा करती है। इसके साथ साथ टपाल टी वगैरह के एड्स जो TV पे दिखाया जाता है, इस सब से PCB को बहुत बड़ी रकम मिलती है। ये सब स्पॉन्सर्स होते हैं, जो किसी भी स्पोर्ट्स लीग्स के रेवेन्यू में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इसके बाद आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट। हम सब जो TV, मोबाइल वगैरह पे PSL की स्ट्रीमिंग देखते हैं, इसके लिए ब्रॉडकास्टर्स PCB को रेवेन्यू देता है। 2022 में जो PSL की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिकी थी, जो 2 सालों के लिए ARY और PTV ने ₹450 करोड़ के अवज में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसका मतलब है कि PCB को 2 सालों के लिए ₹450 करोड़ दी गई थी PSL के ब्रॉडकास्टिंग के लिए। इन सब के बाद ये टोटल आमदनी PCB और फ्रेंचाइजेज के दरमियान बांटा जाता है। 2020 से पहले PSL के टोटल रेवेन्यू की 80% फ्रेंचाइजेज और 20% PCB को मिलती थी, तो इसके बाद फ्रेंचाइजेज ने कहा कि हमें ये रेवेन्यू बहुत कम मिलता है, तो उन्होंने अदालत में जाने का फैसला किया। लेकिन अब PSL के टोटल आमदनी का 95% फ्रेंचाइजेज को मिलती है और बाकी 5% PCB को मिलता है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। अब जो फ्रेंचाइजेज होती है, 2015 में जब PCB ने PSL के 5 टीमों को बेचा था, तो PCB ने $93 मिलियन के बदले ये 5 टीम्स बेचे थे। ये जो $93 मिलियन है, ये 5 फ्रेंचाइजेज ने PCB को देने हैं।
ये तमाम रकम सिर्फ पीसीबी के हिस्से में जाती है जो 10 सालों में ये फ्रेंचाइजीज पीसीबी को अदा करेंगे। 2017 में चट्टी टीम मुल्तान सुल्तान भी शामिल हुई थी। पीसीबी ने 2015 में जो महंगी टीम बेची थी वो थी कराची किंग्स। तो कराची किंग्स को लेने के लिए उन्होंने 26 मिलियन डॉलर्स दिए थे, लेकिन 2017 में जब मुल्तान सुल्तान खरीदी गई तो उस वक्त पीएसएल अपनी बुलंदियों को छू चुका था। तो उस वक्त मुल्तान सुल्तान को 45 मिलियन डॉलर्स की हुकूक दी गई थी जो अगले 7 सालों में पीसीबी को अदा करेंगे। इसके बाद अगर पीएसएल की कोई भी टीम देख लो तो उनकी जो शर्ट्स होती है उसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम लिखे होते हैं। ये वैसे नहीं लिखे होते हैं, ये सब स्पॉन्सर होते हैं जो बहुत बड़ी रकम अदा करती है और ये रकम डायरेक्ट फ्रेंचाइज के अकाउंट में जाती है। फ्रेंचाइजेज बहुत ज्यादा रेवेन्यू पीसीबी से भी लेती है, 95% रेवेन्यू का, और इसके बाद स्पॉन्सर से भी ये बहुत रेवेन्यू कमाता है और इसके साथ साथ पीसीबी को बहुत बड़ी रकम मिलती है। तो ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।